जिस तरीके से भारत को ये मौका समय रहते अपने फायदे में तब्दील करना चाहिए था, आज आपको नहीं लगता कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित है? हालांकि कोरोना की लड़ाई में प्रधानमंत्री ने बहुत हद तक सफलता प्राप्त कर ली है, ऐसा दुनिया के और देश मान रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा कोरोना से प्रभावित हैं वही प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, तो यहाँ तो प्रधानमंत्री को 10 में 10 नंबर मिलते हैं। लेकिन एक हम कमजोर अर्थव्यवस्था हैं, अभी हम इंक्यूबेशन पीरियड में हैं। आपको देख के नहीं लगता कि भारत जैसा विशाल देश, 136 करोड़ की आबादी और प्रोडक्शन में हमारा जो पार्टिसिपेशन है पूरी दुनिया में वो 3% का है, यानी दक्षिण कोरिया भी हमसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, एक छोटा सा आपके उत्तर प्रदेश के बराबर का देश, और आबादी में उससे बहुत कम। आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस समय जो उत्पादन है वो बहुत ही कम हो गया है। इस समय मेरा मानना है कि सिर्फ 25% उत्पादन हो रहा है जो जनवरी 2020 में था, यानी कि जो हमारी बढ़त है वो -75% की ग्रोथ है, और इस समय करीब 12-13 लाख करोड़ का तो ऑलरेडी एक महीने में नुकसान हो गया है उत्पादन का। अगर ये लॉकडाउन इसी तरह चलता रहा तो आप समझिए कि हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो -35% रहेगा इस साल, अगर एक साल के अंदर हम रिकवर करते हैं जनवरी 2020 के लेवल पे। तो ये जो नुकसान है ये करीब 70-80 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा अर्थव्यवस्था में, और इसकी वजह से जो हमारे रिसोर्स पोजीशन है वो बहुत ही खराब हो जाएगा, और खासकर जो असंगठित क्षेत्र जिसकी आप चर्चा कर रहे थे वहां पे जो वर्कर है उसको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है, तो वो तो अनएम्प्लॉयड हो ही गया है। मेरा मानना है करीब 150-200 मिलियन यानी 15-20 करोड़ लोग ऑलरेडी ये बेरोजगार हो गए हैं, वो गांव की तरफ पलायन करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अपने घर परिवार के साथ जाएं। हमारे कृषि में बहुत बड़े नुकसान हुआ है क्योंकि कृषि से जो हमारा फसल है वो शहरों में नहीं आ पाया, गांव के जो मंडी है वहां पे नहीं आ पाया, और उससे जो खबर है कि जो हमारा फ्रूट और वेजिटेबल है, साग सब्जी, वो सारा जो नष्ट भी काफी बड़ी मात्रा में हो गया है, जिससे कि गाँव में दाम गिर गए हैं और शहरों में दाम बढ़ गए हैं। तो कुल मिला के मेरा मानना है कि इस समय हमारी आर्थिक स्थिति काफी नाजुक है, फाइनेंशियल सेक्टर में भी बहुत स्ट्रेस है। टेम्पलटन ने अभी अपने 6 म्यूचुअल फंड बंद कर दिए हैं, बैंकों में भी क्योंकि जो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लोन नहीं आ रहा है, तो वहां पे भी परेशानी बहुत बढ़ गई है, और मुझे लगता है बिजनेस फेलियर इस समय काफी बड़े लेवल पे होगा, खासकर जो असंगठित क्षेत्र का है और जो छोटा बिजनेस है, और जो बिजनेस बहुत ही स्ट्रेस था पहले से ही क्योंकि अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ जा रही थी इस क्राइसिस के पहले ही, वो भी जब बिजनेस बहुत बुरी तरह से मुझे लगता है फेल होगा, तो सरकार को अब सपोर्ट देनी पड़ेगी जिससे बिजनेस फेलियर ना हो और भुखमरी ना हो। अरुण जी, एक और सवाल आपसे लेना चाह रहा हूं कि मौजूदा स्थिति में चारों तरफ से घाटा ही घाटा लग रहा है, फिजिकल डेफिसिट आपको क्या लगता है कि कहां तक पहुंचेगा, और इस स्थिति से लड़ने के लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, ऐसा फिजिकल डेफिसिट तो हमारा पहले ही ज्यादा हो गया था, क्योंकि पिछले साल जो फिस्कल डेफिसिट था वो स्टेट को मिला लीजिए, सेंटर को मिला लीजिए, और जो ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स हैं और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं तो 10% की रफ्तार से चल रहा था। इस बार क्योंकि हमारा प्रोडक्शन काफी बड़े मात्रा में गिरा है तो हमारा जीएसटी कलेक्शन इस समय 10% से ज्यादा नहीं है, और इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स भी कलेक्शन बहुत गिर जाएगा। तो मेरा मानना है कि अगर सरकार अपने खर्चों में कटौती नहीं करती है तो 30-40% तक फिस्कल डेफिसिट पहुंच जाएगा, और जो क्योंकि टैक्स कलेक्शन कम होगा, जो गरीब आदमी है उसको सपोर्ट देनी होगी, मेडिकल सपोर्ट देनी होगी, तो ये सारा मिला के 30-40% का फिस्कल डेफिसिट हमारा जीडीपी का हो जाएगा, क्योंकि जीडीपी अपने आप में 30-35% गिर जाएगा, तो कुल मिला के स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। क्या आपको अरुण जी, एक और सवाल छोटा सा, क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति जब होती है तो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से शूट करता है, सरकार को क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ताकि गरीब आदमी कम से कम राहत में रह सके, पहले ही ज्यादा सफर कर चुका है? देखिए, इसमें इन्फ्लेशन तेज इसलिए नहीं होता क्योंकि जब इतना डिप्रेशन आ जाएगा तो सारे कमोडिटी प्राइसेस गिर जाएंगे, जैसे तेल के जो दाम गिर गए हैं, और जब तेल के दाम गिरे हैं तो बाकी और चीजों के भी दाम गिरेंगे, और क्योंकि जब परचेजिंग पावर खत्म हो गई है इस समय, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर है उसकी परचेजिंग पावर खत्म हो गई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर है उसकी परचेजिंग पावर खत्म हो गई, बिजनेसेस काफी बंद हैं, वहां पे इनकम नहीं हो रही है, तो इसलिए डिमांड कम हो जाएगी। और इसलिए आपने देखा चीनी की मिलों में उत्पादन कम हो रहा है, कारों का उत्पादन बंद हो गया है, क्योंकि इस समय वो इनएसेंशियल चीजें मानी जाती हैं, कारें हैं, बाकी ऐसी चीजें। तो इन्फ्लेशन तो तेज नहीं होगा, लेकिन यही है कि गरीब आदमी की आमदनी नहीं है
तो उसको जो एसेंशियल्स है वो सरकार को सप्लाई करना पड़ेगा। एक सवाल अरुण जी, एक सवाल और है, जो हमारी हमारी जो यूनिकनेस है वो ये है कि हम कंज्यूमर हैं, हमारे पास परचेजिंग पावर है। अगर देश के करीब 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर, 9 करोड़ जो घुमंतू जातियां हैं हमारे देश में, वो भी एक तरह से असंगठित क्षेत्र में ही आते हैं, करीब 49 करोड़ लोग, और इनसे जुड़े हुए 1-2 करोड़ लोग और पकड़ लीजिए, करीब 50-51 करोड़ लोग जब अपनी परचेजिंग पावर की कैपेसिटी को लूज कर देंगे, तो ऐसे समय में क्या स्थिति होगी? देखिए, यही मैं कह रहा था कि जब परचेजिंग पावर खत्म हो जाती है तो डिमांड खत्म हो जाती है अर्थव्यवस्था में, तो इसीलिए ये जो स्थिति है वो युद्ध से भी बदतर स्थिति है, क्योंकि यहाँ सप्लाई भी बंद हो गई है क्योंकि फैक्ट्री वगैरह ऑफिस बंद हैं, और डिमांड भी खत्म हो गई क्योंकि लोगों की आमदनी खत्म हो गई है। तो ऐसी स्थिति में डिमांड जनरेट करना जरूरी है, तो सरकार जब फिस्कल डेफिसिट अपना बढ़ाएगी तो उससे थोड़ी बहुत डिमांड क्रिएट होगी, और मेरा मानना है कि जो गरीब आदमी है उसको खाद्यान्न पदार्थ, थोड़ा एनर्जी, थोड़ा तेल, थोड़ा जो मसाला और थोड़ा सब्जी, ये गांव से लेके शहर में लाना चाहिए, जिससे गांव में भी कोलैप्स ना हो और शहरों में भी लॉकडाउन पर्याप्त मात्रा में हो सके। अगर लोग ये पलायन करते रहेंगे तो लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं होगा, और जो हमारा जो बीमारी है वो फैल जाएगी चारों तरफ, और जो आम आदमी है उसको परेशानी में आ जाएगा, तो उससे जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो और गिर जाएगा, और जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है वो भी गिर जाएगा, और जो हम अपना प्रोडक्शन स्टार्ट भी करना चाहेंगे तो उपलब्ध नहीं होगा लेबर, क्योंकि लेबर पलायन कर जाएगा गांव की तरफ। तो कुल मिला के स्थिति ऐसी है कि एक जो हमें सर्वाइवल पैकेज चाहिए, वो सर्वाइवल पैकेज का मतलब होगा कि जो वर्कर्स हैं उनको खाने पीने की वस्तु मिले, जो फार्मर है उसका जो सामान उठा लिया जाए गाँव से, और जो बिजनेस है वो फेल ना करे। ये तीनों चीजें बहुत ही जरूरी है, अगर ये तीनों चीजें नहीं हुई तो हमारी अर्थव्यवस्था काफी हद तक और गिर जाएगी, और इस समय बहुत परेशानी का दौर आ जाएगा।